नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू थिएटर कंसल्टेशन सर्विस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो लोग नो कांटेक्ट में है, ऑफ एंड ऑन में है, मैं नो कांटेक्ट का ही एनर्जी पिकअप करूंगी कि आपका जो पर्सन नो कांटेक्ट में हो, एनर्जी क्या है एंड कब उनका कॉल या टेक्स्ट आएगा। तो आज के क्वेश्चन का, आज का जो रीडिंग है, उनका सब्जेक्ट है कि नो कांटेक्ट कब आएगा उसका कॉल या टेक्स्ट, एंड उनका साथ ही साथ स्ट्रॉन्गली हम लोग देखेंगे क्या एनर्जी लेकर चल रहा है, एक्चुअल करंट फीलिंग क्या है। इसके लिए मैं दो पाइल में, क्योंकि आप लोगों का बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट होता है, मैम पाइल में लेके आइए, हम लोगों के लिए इजी होता है। तो पाइल, दो पाइल में लेके आई हूँ अकॉर्डिंग टू योर जन्म मंथ। मैं रीडिंग के स्टार्ट में डिटेल में दे दूंगी, क्लियरली आप लोगों को स्टार्ट समझ में आएगा। पाइल वन में रहेगा जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। ठीक है, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। पाइल वन, दिस इज योर मंथ ऑफ बर्थ, आपकी पर्सन का नहीं, आपका। ठीक है, मैं आपका एनर्जी पिकअप करके उनका कर रही हूँ, राइट। तो उनका जो एनर्जी हो रहा है आपका, आपके थ्रू ही तो हो रहा है ना, आपके पर्सन, मैं तो उनका नाम लेके नहीं बोल पा रही, ठीक है ना। एंड पाइल टू में है फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। ठीक है, मैं अच्छा से दिख रही हूँ और फिर मैं दे भी दूंगी। ठीक है, सो पाइल टू फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। तो ये है पाइल वन एंड पाइल टू। होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा इजीली, क्योंकि पाइल जस्ट स्टार्टिंग में आप देख पाएंगे। पाइल वन पाइल टू पॉज कर देना, करके देख लेना आपका कौन सा विश में है। खुद का इंसान जन्म मंथ फटाक से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरा पाइल वन में है मई मंथ, ठीक है ऐसा। सो लेट्स स्टार्ट कि आपका जो पर्सन है वो क्या सोच रहा है आपके बारे में, कब उनके साथ आपका कम्युनिकेशन होगा, कब उनका कॉल या टेक्स्ट आएगा। ठीक है, देखने के लिए स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग। ठीक है, आज टैरो से ही स्टार्ट करते हैं, अननेसेसरी बड़ा नहीं करूंगी, ठीक है, मगर प्रॉपर आपका एनर्जी पता चलेगा। ठीक है, क्या सोच रहा है, पहले मैं देखूंगी कि क्या सिचुएशन में है। ठीक है, ये सिचुएशन देखूंगी आज। बाबा, तीन कार्ड निकाल दूंगा, खूब एनर्जी, हेवी एनर्जी, डिवाइन प्लीज हेल्प करे, डिवाइन प्लीज हेल्प करे। पाइल वन, जिन लोगों का मंथ, जो मैं मंथ पाइल वन में बोली हूँ, वो मंथ की लोगों का जो पर्सन है, उन लोगों का एक्चुअली क्या एनर्जी है। बहुत सारा कार्ड दिया ये, लेकिन अच्छा दिखाऊंगी सब कार्ड। सोचिए मत, कम्युनिकेशन का तो कम्युनिकेशन का कार्ड आ गया। देखिए कार्ड जो आया है, फर्स्ट कार्ड आया है सेवन ऑफ कप्स, वाटर साइन सेवन ऑफ कप्स, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट कार्ड आया है थ्री ऑफ कप्स। कार्ड को अच्छा से देखे देते हैं, ठीक है, सेवन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देख रही हूँ कार्ड आया है फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वंड्स, टेन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वंड्स एंड एट ऑफ। फिर जब रीड करूंगी, कार्ड उठा उठा के रीड करूंगी, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी वाइज मैं देख रही हूँ, आप लोग वाटर साइन हो सकते हो, आप लोग वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है वाटर साइन, इमोशन बहुत है आप दोनों का रिलेशनशिप में। आर्ट साइन एंड फायर साइन, वाटर, अर्थ एंड फायर, ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, वाटर, अर्थ एंड फायर, ठीक है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कॉन्सियस स्कॉर्पियो पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड आप लोग हो सकते हो
फायर साइन का हो सकता हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल ये एनर्जी मुझे दिख रहा है। सो एनी हाउ मैं एनर्जेटिकली जो नोटिस कर रही हूँ कि एरिस का एनर्जी स्ट्रांग है, एरिस का एनर्जी और टॉरस का एनर्जी स्ट्रांग है। एरिस लियो सजिटेरियस भी हो सकते हो, सॉरी एरिस लियो सजिटेरियस भी हो सकते हो, मगर एरिस का एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, टॉरस का एनर्जी स्ट्रांग है एंड पाइसिस का एनर्जी स्ट्रांग है। ये तीनों का बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। इसके बाद भी जैसे मैंने बोला एरिस लियो सजिटेरियस हो सकते हो, है ना, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, तो कुछ भी हो सकते हो आप, ठीक है। वाटर फायर एंड आपका अर्थ, इसके अंदर कोई भी साइन हो सकते हो। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। देखिए ओवरऑल एनर्जी में मैं देख रही हूँ इमोशन बहुत है इस रिलेशनशिप में, इमोशन की कोई कमी नहीं है, ये बार बार बताऊंगी, मगर हो सकते है आपकी पर्सन के पास अल्टरनेटिव चॉइसेस है, अल्टरनेटिव चॉइसेस है आपकी पर्सन के पास बिकॉज सेवन ऑफ कप्स आया है। ऐसा हो ही सकता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों का रिलेशनशिप में, ठीक है। और ऐसा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है फाइव वन के लिए, मैरिड हो सकता है, कमिटेड रिलेशनशिप में हो सकता है, या ऐसा कुछ थर्ड पार्टी रिलेटेड चीज है, ठीक है, जिसमें इमोशन छुपा है। मदर इशू भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मदर इशू नहीं हो सकता, मदर के साथ भी तो इमोशन होता है, राइट। तो थर्ड पार्टी ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये थ्री ऑफ कप्स में मैं देख रही हूँ, मगर इसके साथ साथ सेवन ऑफ कप्स ये भी बोल रहा है कि ऑप्शन है इनके अंदर। हो सकता है इनका घर से रिश्ता देख रहा है, हो सकता है खुद भी इधर उधर फ्लर्टिंग करते हैं, बहुत सारा रिलेशनशिप के अंदर है, ये भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए जो इस रिश्ते के अंदर कुछ अच्छा कुछ बुरा ये सब देख रहा है, एक जगह में वो खड़े है जिस जगह में उनको लग रहा है कि ऐसा कि ऐसा एनर्जी जिसमें आप क्या बताए, मतलब शायद डिसीजन लेना ठीक नहीं होगा, इमोशन बहुत है, इमोशन का कमी नहीं देख के भी बहुत ज्यादा इमोशन फील कर रहा है, मगर जब लॉजिकली सोच रहा है बहुत ज्यादा लॉजिक फील कर रहा है इस टाइम में ना, देख रहा है कि ना ऐसा नहीं, मुझे इतना इमोशन में बह नहीं जाना है, बहक नहीं जाना है। ये एनर्जी बहुत लोगों के लिए है और बहुत लोगों के लिए ऑप्शंस है, ये एनर्जी है। मगर कहीं ना कहीं से अगर आपकी एनर्जी बोले तो आपके साथ एक सेलिब्रेशन के सपना दिख रहा है कि आपके साथ सेलिब्रेट करना, ये सब सपना देख रहा है। मैं बोला बहुत लोगों के लिए है कोई थर्ड पार्टी मैरिड रिलेशनशिप एंड समथिंग कुछ है, जिस कारण में ये फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। फोर ऑफ पेंटिकल्स क्या बोलता है, इमोशन तो है ही आपकी तरफ, मगर फिर भी कुछ पुराना चीज को पकड़ के, पुराना संस्कार को पकड़ के, पुराना कोई चीज को पकड़ के बैठ रहना, ठीक है। ये पैसा को भी पकड़ के बैठ सकते हो, सकता है आप दोनों में थर्ड पार्टी इज अ फाइनेंस डिफरेंस, फाइनेंशियल डिफरेंस, हो सकता है कुछ संस्कार रिलीजियन जिसमें उनको लग रहा है कि नहीं इतना बड़ा स्टेप नहीं लेना चाहिए, मेरा फैमिली इशू हो जाएगा, सोसाइटी इशू हो जाएगा, ये भी बहुत हो सकता है, ठीक है। कुछ पुराना चीज पकड़ के, संस्कार को पकड़ के बैठे रहना, अदरवाइज कोई रिलेशनशिप में ऑलरेडी है उसको पकड़ के, उनको लग रहा है कि जितना भी आपकी तरफ इमोशन बहुत है मगर फिर भी उनको लग रहा है कि नहीं मुझे इस जगह से निकलना, दिल तो बोल रहा है निकल मगर दिमाग उनको बोल रहा है कि ठहरो, ठीक है। ये एनर्जी है मगर आपकी तरफ एक पैशनेट लव फील करते हैं, नो डाउट पैशनेट लव फील करते हैं और बहुत जल्द आएंगे भी आपसे मिलने, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। वो पैशनेट लव फील करते हैं, बहुत जल्द आपसे मिलने का एनर्जी है इनका, है ना। ये डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पर्सन के साथ आपका ऑनलाइन में मुलाकात हुआ, डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये बहुत लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है, बहुत लोगों के लिए है, मगर बहुत सारा ऑब्स्ट्रक्शन क्रॉस करके आपकी तरफ आएंगे, ये एनर्जी है, आने के लिए तैयार भी हो रहा है, ठीक है। एंड कॉम्प्लीशन, इस बार जो आएंगे कॉम्प्लीशन के लिए आएंगे, इस बार जो आएंगे ना कॉम्प्लीशन के लिए आएंगे, ऐसे नहीं घूमने आएंगे,
आपको कुछ कमिटमेंट देना है, कंप्लीशन, इस जगह से मुझे बहुत एनर्जी दिख रहा है जो शादी का कमिटमेंट लेके आ सकते हैं। एक कमिटमेंट जिनका शादी पॉसिबल नहीं है कि जिंदगी भर के लिए रहेंगे, बहुत लोगों के लिए हो सकते हैं कि आई लव यू मुंह खोल के बोला ही नहीं, जिस बस सीरियसली बोलेंगे कुछ कहा हम लोग रिलेशनशिप में है, जिस रिलेशनशिप है कि नहीं ये सुनने के लिए आप तरस जाते हो, उस जगह में ये आएंगे। ठीक है, ये एनर्जी देख रही है, एक बैलेंस आएंगे आप दोनों में, क्योंकि स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया है, जो इतना दिन तक है ना खाली सोच रहे थे, इस जगह में ऑलरेडी स्ट्रगल एनर्जी स्टार्ट हो गया है, इनके अंदर एक स्ट्रगल एनर्जी आ रहा है कि स्ट्रगल करके इस जगह को मतलब पहुंचने के लिए रेडी है। कुछ भी हो, मेरा सोसाइटी की डर, मेरा कुछ उधर से, मेरा हो सकता है कुछ रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेकिंग हो भी जाए, मगर ये इस जगह में ये भी सोचना है कि सच्चे मेरा प्यार कहाँ है, इस अवेयरनेस की तरफ ये जा रहा है। ठीक है, ये एनर्जी है। एंड ये जो पर्सन है ना, ये बैलेंस करने के लिए आ रहा है, बैलेंस करेंगे। एंड ये जो पर्सन है, अगर अच्छा से देखेंगे इस पर्सन, देखिए ये पैसा बांट रहा है, यहाँ पे पेंटिकल्स दे रहा है, मगर देखा दो आदमी है, वो एक को ही दे रहा है, दोनों को नहीं दे रहा है, इनके पास है फिर भी वो बैलेंस लेके खड़े है, मतलब उनको समझ में आ रहा है को कौन किसका नीड है एक्चुअली, हाँ हु इज नीडी और किन को देना चाहिए, उस जगह में वो बैलेंस करना स्टार्ट कर दिया है, समझ में आ, इसीलिए वो आप, क्योंकि आपका एनर्जी पिकअप करके कर रही हूँ तो आपके लिए आंसर आ रहा है, समझ में आया। तो ये थर्ड पार्टी के लिए नहीं है, वो थर्ड पार्टी को देने के लिए, ये आपके लिए है। ठीक है, तो ये एनर्जी है। थर्ड पार्टी ऑलवेज मैरिज नहीं होता कि मैरिड है कोई लड़की है या कोई लड़का है, ऐसा नहीं, बहुत कुछ पहले जैसे बोला, कोई स्पाउस हो सकता है, कोई लवर हो सकता है, कोई क्रश हो सकता है, मदर इशू हो सकता है, फादर इशू हो सकता है, सिस्टर ब्रदर इशू हो सकता है, रिलीजन इशू हो सकता है, फाइनेंशियल इशू हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, टाइम हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। एंड एंड ऑफ द डे हम लोग देख रहे हैं कम्युनिकेशन, एट ऑफ वांड्स, एक कम्युनिकेशन कार्ड, बहुत जल्द टेक्स्ट या कॉल बहुत जल्द आने वाला है। पाइल वन के लिए मुझे जो देख रहा है, मैक्सिमम 8 to 10 days, मुझे स्ट्रॉन्गली डेज लग रहा है, 8 to 10 days या 8 to 10 weeks, बहुत लोगों के लिए 8 to 10 hours, इसके अंदर ही आप लोगों में कम्युनिकेशन तो हो जाएगा 100%, बहुत लोगों के लिए 8 to 10 hours के मध्य अंदर ही आप लोगों का हो जाएगा कम्युनिकेशन, बहुत लोगों के लिए डेज का एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और बहुत लोगों के लिए वीक मंथ नहीं दिख रही है मैं यहाँ पे, इससे पहले आप लोगों का स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन की एनर्जी है। ठीक है, अभी देखते हैं कि अभी देखते हैं एनर्जी ओरेकल से और क्या एनर्जी है, क्या करेंगे, नेक्स्ट मूव क्या होगा। ठीक है, पाइल वन के लिए नेक्स्ट मूव क्या होगा, चार कार्ड लेंगे, डिवाइन प्लीज हेल्प मी, डिवाइन प्लीज हेल्प करें, चार कार्ड हम लोग एनर्जी ओरेकल से गाइड कीजिए, प्लीज डिवाइन प्लीज हेल्प कीजिए, चार कार्ड हम लोग लेंगे आज के पाइल वन की रीडिंग के लिए, प्लीज डिवाइन हेल्प करें, डिवाइन प्लीज हेल्प करें। फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल, समझ में आया, अनाहुत चक्रा उनका जो है हार्ट चक्रा, अनाहुत चक्र, हार्ट चक्र एक्सपांडेड हो रहा है, उनके अंदर वो एनर्जी आ रहा है कि वो उनका जो सच्चा प्यार है ना आपके लिए, ये सोसाइटी ये वो इतना दबा के रखते थे, वो शायद इतना ओपनली बोला ही नहीं आपको, या बोल के भी कमिटमेंट की तरफ जाना रेडी नहीं थे, मगर इनको देख रही हूँ वहाँ हार्ट चक्र में एक एक्सपेंशन आ रहा है, उनको आर्कएंजल राफेल इनको सपोर्ट कर रहा है, एंजली गाइडेंस मिल रहा है। एंड हार्ट चक्र, आप इस मोमेंट पे आपका बहुत बड़ा काम है, आप आराम से शांति से बैठ जाइए, आराम से सांस लीजिए सांस छोड़िए, सांस लीजिए सांस छोड़िए, अगर आप लोगों का हिंदुइज्म में पढ़ते हैं तो आप लोग आराम से सांस लीजिए एंड ओम ओम का उच्चारण कीजिए, अगर हिंदुइज्म ऐसा ओम बोलने में कोई भी प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, आप सांस लेके छोड़ने के टाइम में हमिंग कीजिए, वाइब्रेशन बहुत जरूरी है, हुआ, आपका एकदम शांत हो गया आपका शरीर, फिर आप धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपना हार्ट पे, ग्रीन कलर का चक्रा क्लॉकवाइज घूम रहा है, एनर्जी उसमें फ्लो कीजिए,
एंड उनका हार्ट चक्र को भी आपके सामने उनको जैसे विजुअलाइज कर रहे हो और उनका हार्ट चक्र में भी विजुअलाइज करके आपके हार्ट चक्र से उनके हार्ट चक्र में लव भेजिए, जैसे ग्रीन कलर की कोई रोशनी जा रहा है उनकी हार्ट चक्र जो भी ऐसा था उसमें। एक तो रफाइल आर्कएंजल रफाइल तो सपोर्ट कर ही रहा है, ऊपर से आपका प्यार आप भी हील कीजिए, ठीक है, देखना बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफाइल बहुत एनर्जी है इनका, एक इम्प्रूवमेंट के लिए कम्युनिटी है उनका, थोड़ा सा ये सब प्रॉब्लम था कि फैमिली कम्युनिटी ये वो ये बहुत स्ट्रांग था, मगर इस जगह से आके आपको उस कम्युनिटी में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, इंक्लूड करना चाहते हैं, वो एनर्जी है, ठीक है, जो ये सब के लिए जीते थे उस जगह से निकाल के आपको वहां पे इंक्लूड करना चाहते हैं, ठीक है, आपका पार्ट ऑफ फैमिली पार्ट ऑफ हिज कम्युनिटी और हर कम्युनिटी ये देखना चाह रहा है, ये एनर्जी है। एंड बिकॉज ऑफ नेक्स्ट कार्ड मैं बोल सकती हूँ वॉकिंग अवे, ये जो कम्युनिटी था यहाँ से दूर जा रहा है, सच्चेत की दिशा में जा रहा है आपकी पर्सन, ठीक है, जो चीज में स्टक थे जो चीज में ये निकाल नहीं पा रहे थे उससे एक नया लाइट की जो रोशनी है ज्ञान की रोशनी इसकी तरफ धीरे धीरे जा रहा है, देखिए एनर्जी, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैं देख रही हूँ कार्ड क्या है, नेक्स्ट कार्ड ब्लॉसम विद अबंडेंस है, इनके अंदर नॉर्मली ज्ञान का जब विकास होगा तो अबंडेंस तो आएगा ही, नियम ही तो है ना, एक्सपर्टाइज हो जाओगे, समृद्धि आ जाएगा, है ना, उनके अंदर जो प्यूरिफिकेशन हो रहा है, उनके अंदर जो इंटेलिजेंसी का प्रकाश हो रहा है, उनके अंदर जो एक्सपर्टाइजेशन की तरफ ये जा रहा है तो अल्टीमेटली समृद्धि तो आएगा, एक एक समृद्धि मतलब पैसा का ही नहीं होता, ज्ञान का होता है, शांति का होता है, परम ज्ञान का होता है, इसके अंदर ये जा रहा है, ठीक है ना। वो इतना दिन तक जब आपको इग्नोर किया, प्यार नहीं दिया, हो सकता है बोल रहे हैं कि जाओ जाओ नहीं मुझसे नहीं, ठीक है, हम लोग वी आर फ्रेंड्स, कुछ दिन आपसे घुमा फिरा फिर वी आर फ्रेंड्स, ये सब मैं मेरे पास आता है तो मैं सुन के हैरान हो जाती हूँ, इतना फ्रेंड हो जाता है भाई, फ्रेंड तो कोई दुश्मन थोड़ी है, मगर बिहेवियर तो दुश्मन की तरफ है, तरह है कि तुम टॉर्चर कर रहे हो इन मेंटली, ठीक है ना, तो बिहेवियर तो दुश्मन की तरह है, वी आर फ्रेंड, वी आर जस्ट फ्रेंड, ऐसा फ्रेंडशिप रखना ही नहीं है, ऐसा फ्रेंडशिप तुम दूसरे के साथ जाके फ्रेंडशिप करो, आप लोग इतने कोडिपेंडेंट हो, आप लोगों को लगेगा टिया मैम बहुत रफली बोल रहे हैं, मैं रफली नहीं बोलती हूँ, आप लोगों को बहुत प्यार करती हूँ मैं, इतना कोडिपेंडेंट होना भाई ये आप लोगों को यूज करके छोड़ता है, इनकी ऐसा नहीं है प्यार है, जो पाइल वन देख रहा है वो 100% प्यार करता है, मगर अगर इतना अवेलेबिलिटी रहे वो जब भी कॉल कर रहे हैं, वो जब भी मैसेज कर रहे हैं तुरंत, ऐसा नहीं अभी क्वेश्चन आएगा मैम वो कॉल करे तो उसको ब्लॉक कर दू, क्यों ब्लॉक करोगे, अच्छा एनर्जी से बात करोगे, वो अगर एक सेंटेंस लिखे दो सेंटेंस लिखे आप भी वो लिखो, वो एक सेंटेंस लिखेगा मैं लिख के बोल सकती हूँ इसमें बहुत लोग 10 सेंटेंस लिख देगा, वो बेचारा सोचेगा दम घुट रहा है मेरा, मैं तो एक ही बार पूछा थी हाउ आर यू, यस फाइन व्हाई यू थिंक, आप क्या सोचते हो आपको छोड़ के मैं मर जाऊं, ये करूं वो करूं, आप कैसे हो, आप तो अच्छे ही हो मुझे छोड़ के, आप इतना कुछ मत लिखो, सोचो थोड़ा अच्छा सोचो, ठीक है ना, हाँ मैं बहुत ठीक है, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो, मैं भी अच्छी हूँ या अच्छे हो जो भी हो, आप कैसे हो, ये सब नॉर्मल बात पे जाइए, देखिए उनका इंटेंशन क्या है बात करने का, है ना, सेलिब्रेट कीजिए जी, एवरी मोमेंट को सेलिब्रेट कीजिए, देखिए ऑपोजिट की पर्सन को इंटरेस्ट होगा आपसे बात करने का, अब दुनिया भर का कॉम्प्लेन का झूठ इतना कटोरी लेके बैठे रहोगे भाई, इतना बड़ा सा भगोना लेके बैठे रहोगे, तू तो इन्हें ये किया, तू तो कर दिया ना, अब क्या करें, कर दिया अभी सोचो क्या करना अभी, और आपके लिए रास्ता ओपन है, आप जा सकते हो, मगर आप जा नहीं पा रहे हो तब मेरा चैनल बैठ के देख रहे हो, सो अवेयरनेस बढ़ाइए, चीज को समझिए वो क्यों कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन वो प्यार करते हैं, पाइल वन को देख रही है, ठीक है, सो बहुत अच्छा से हैंडल कीजिए, एकदम ज्यादा एकदम पिघल के मोम भी नहीं बन जाना, इंसान जैसे रहना, अपना अस्तित्व को स्वीकार करके उनको भी प्यार समझना, उनका भी बाउंड्री समझना, इस बार आएगा वो कमिटमेंट देने के लिए आएंगे, ठीक है, सो बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये 3 दिन में हो सकता है, बार बार 3 का एनर्जी बहुत आ रहा है, मानी है जैसे मैंने बोला था विद इन 10 डेज तो ठीक है, मगर 3 का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है, ठीक है, अभी देखती हूँ साई बाबा का मैसेज क्या है पाइल वन के लिए, पाइल वन आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए साई बाबा प्लीज हेल्प करे, बाबा प्लीज हेल्प करे, पाइल वन का क्या
इम्प्रूवमेंट करना है सोच में, आप थोड़ा दिशा दिखाइए बाबा। तीन मंत्र, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्द का उपयोग कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, आज नहीं तो कल वही सब आपकी जीवन का जीवन में लौट आएंगे, ठीक है ना। अच्छे से बात कीजिए, अच्छा सोच रखिए, अच्छे शब्द के उपयोग कीजिए, तो आज नहीं तो कल, आज आपको लग रहा है मैं तो सबके लिए अच्छा ही किया, मेरे साथ क्यों खराब होता है, अच्छा होगा। कर्म बोल के चीज होता है, गुड कर्म करोगे आपका रिजल्ट गुड आएगा ही, तुरंत मत सोचिए आएगा, किसी के लिए तुरंत आता है, किसी के लिए लेट में। आप जैसे आप सोच रहे हो कि मेरे पर्सन बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ बहुत जल्द कम्युनिकेशन की एनर्जी है, ठीक है। तो ये एनर्जी में चलिए, एनर्जी और भी नजदीक आएगा, जल्दी होगा, बहुत अच्छा से होगा। देवी एकरूपता, परमात्मा एक है, परमात्मा तक पहुंचने की कुछ अलग अलग रास्ते है, हम सब परस्पर जुड़े हुए है, हमारा आत्मिक परस्पर संबंध है। देखिए मैं क्या बताऊं, क्या एनर्जी क्या चीज है। आज ही मैंने बोला कि जो हिंदू है हम ओम कीजिए, जो प्रॉब्लम है वो हम कीजिए, हमिंग कीजिए, समझ में आया। अल्टीमेटली गोल इज द वाइब्रेशन, अल्टीमेटली गोल इज द वाइब्रेशन। हिंदू, मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन, कोई भी हो, पार्ट से कोई भी हो, ठीक है ना। देखा, अल्टीमेट गोल इज अ, मुझे उस गोल तक पहुंचना है, उसके लिए क्या क्या रास्ता लेंगे। तो ये जो है, मैंने बोला ना, द मेन थिंग इज वाइब्रेशन, आप कैसे भी बोलो। तो ये एकदम देखिए क्या एनर्जी है, जो एनर्जी पिकअप कर रही थी, जैसे जैसे गॉड से निकाल के आता है। ये जो बात मैंने अचानक रीडिंग में भी नहीं आया था, आपके सामने बाबा का मैसेज शफल किया। देखिए, मेरे पास जो टैरो रीडिंग सीखने आता है उन लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, एनर्जी को ऐसा बनाइए, एनर्जी को ऐसा बनाइए, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा, खुद की अंदर बैलेंस ऐसा बनाइए, तभी आप एक गुड टैरो रीडर बनोगे। नहीं तो कोई भी कार्ड निकाल के बोल सकता है, वो नहीं बनना, अच्छा बनना। जो भी यहाँ पे टैरो रीडिंग सीख रहा है इन लोगों के लिए बोल रही, ठीक है। तो ये था आज का रीडिंग, होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा बाबा का मैसेज। आप लोग अक्षर अक्षर में हर पॉइंट पे फॉलो कीजिए, एनर्जी काफी अच्छा है, थोड़ा सा दुविधा है, निकाल जाएंगे। जैसे मैंने बोला, हार्ट चक्र टू हार्ट चक्र ऑलवेज, उनको हीलिंग दीजिए, उनको एकदम गुड एनर्जी प्रोवाइड कीजिए। तो ये था पाइल वन का रीडिंग, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा से देखिए, अच्छा से रिमेडी जो बोली हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। पाइल वन के लिए बोल रही हूँ कि जो भी पाइल वन देखे हो, पाइल टू तो देखोगे नहीं, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ जो भी प्रेयर है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कीजिए। तो मैं दिल से एकदम डिवाइन के एंड रेकी मदर से हीलिंग की चाय में प्रे करती हूँ आप लोगों का प्रेयर फुलफिल करने के लिए। एंड कोई भी सजेशन हो, कोई भी गाइडेंस हो, कोई भी रीडिंग आप लोगों को चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जानाइए, मैं लेके आऊंगी। एंड जैसे मैं बोली हूँ, मेरा जो वीडियोस है चैनल का लिंक आप लोग शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स, क्योंकि मैं जब फ्री रीडिंग लेके आऊंगी जरूर हेल्प होगा उन लोगों के लिए। सब्सक्राइब करने बोलिए तो क्या होगा, उस टाइम में मैं जो भी फ्री रीडिंग दूंगी ना उनका आंसर मैं कर सकती हूँ, ठीक है। सो ये आपका भी लाइफ पर्पस में ये हेल्प करेगा, क्योंकि दूसरे का हेल्प तो होगा ना, ये बात है। फ्री रीडिंग में मेरा बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ जाता है ऐसा कुछ नहीं है, मगर इंसान का बहुत ज्यादा हेल्प होता है, ठीक है। सो प्लीज ये अच्छा कीजिए कुछ, एंड सबका भला, खाली अपना नहीं, आप कर सकते हो पर्सनल रीडिंग, बहुत लोग नहीं कर सकते है ना, तो इसीलिए ठीक है। चलते हैं पाइल टू मतलब क्या है, कौन कौन महीना देख लेती हूँ। पाइल टू एनर्जी पिकअप करना इजी होगा, पाइल टू फेब्रुवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। तो पाइल टू जिन लोगों ने चॉइस किया है उन लोगों का जो मंथ ऑफ बर्थ है फेब्रुवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। ओके, लेट्स स्टार्ट। पाइल टू जिन लोगों ने पसंद किए थे, प्लीज डिवाइन हेल्प करे उन लोगों का, जो पर्सन है उन लोगों का रिंग फीलिंग क्या है, एंड वो कब करेंगे टेक्स्ट या मैसेज। आज का जो एनर्जी है वो थोड़ा सा मुझे हेल्प कीजिए डिवाइन, थोड़ा नहीं पूरा ही हेल्प कीजिए।
पूरा ही हेल्प कीजिए, तभी मैं प्रॉपर कार्ड निकाल सकती हूँ। हाई प्रिस्टेस अ पोस्ट स्पिरिचुअल पाइल टू एस ऑफ वांड्स डिवाइनली गाइडेड कुछ है फायर साइन पेज ऑफ सोर्स एयर साइन। आपकी पर्सन आपसे छोटा हो भी सकता है। जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस एनर्जी है, एरिस्लियो सैजिटेरियस एनर्जी है, फायर साइन एयर साइन द हाई प्रिस्टेस। आप इंट्यूटिव हो, आपकी पर्सन आपसे बहुत ज्यादा एक सेक्सुअल आर्ट्स फील करते हैं। बैलेंस, एक बैलेंस आने वाला है रिलेशनशिप में बहुत जोर से। एंड बात है डिवाइन, बहुत ज्यादा एंजल गाइडेंस आपको मिलना स्टार्ट हो गया है। हो सकता है बहुत सारा एंजेलिक गाइडेंस आपको मिल रहा है, आपकी पर्सन को मिल रहा है, जो इतना दिन समझते नहीं थे, ठीक है, उस जगह से। देखिए कम्युनिकेशन की कार्ड तो आई गया पेज ऑफ सॉर्ड्स, उसमें आया था एट ऑफ वांड्स। देखिए अगेन पाइल टू में आया टेन ऑफ कप्स। रियूनियन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है बहुत लोगों के लिए। अक्टूबर तो बहुत अच्छा टाइम जाएगा, कलेक्टिव एनर्जी मुझे लग रहा है। थोड़ा सा ना बैलेंस हो जाइए, जो लोग इम्बैलेंस ही में है थोड़ा सा बैलेंस हो गया। मुझे बहुत एनर्जी ये दिखता है, बार बार बोल रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड टाइम है आप लोगों के लिए। द फुल कार्ड, अभी एक फुल एनर्जी में है, ये मैच्योरिटी नहीं है मगर न्यू बिगिनिंग होगा। ऐसा भी हो सकता है यू आर द सीक्रेट ओमेन इन हिज लाइफ। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, कुछ फैमिली इशू है, फैमिली इशू है, इसीलिए फुल एनर्जी में है। सिक्स ऑफ कप्स, सब साइन ही है, फायर साइन एयर साइन वाटर साइन एंड अर्थ साइन सब साइन है। तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कैंसर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, एरिस लियो सैजिटेरियस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, इसमें कुछ भी साइन आप और आपकी पर्सन का हो सकता है। देखिए मुझे जो ओवरऑल एनर्जेटिकली लग रहा है ये पर्सन कुछ होल्ड बैक कर रहा है, अदरवाइज यू आर द सीक्रेट ओमन इन हिज लाइफ, इन हीज और हर। आप सीक्रेट ओमन हो सकते हो, सीक्रेट मैन हो सकते हो, एनी हाउ सीक्रेसी मेंटेन करते हैं आपको लेकर, ओपन अप नहीं करते, ये एनर्जी है। देखिए ये पर्सन इतना दिन स्टक था और है भी अभी थोड़ा थोड़ा, अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ कुछ फैमिली इशू इनका है, थर्ड पार्टी हो सकता है, फैमिली इशू कुछ है जिस कारण में ये ओपन अप नहीं कर पा रहा है। आपको प्यार तो करते हैं मगर क्योंकि एस ऑफ वांड्स आया है, लास्ट कार्ड देखिए ना क्या है, सिक्स ऑफ कप्स, इट्स अ डिवाइनली गाइडेड सोलमेट। आप लोगों में बार बार एक ही चीज, पाइल टू जिन लोगों ने पसंद किया है उन लोगों के लिए एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में, बहुत एनर्जी मुझे दिख रहा है पाइल टू के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक फुल एनर्जी में अभी है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ना डॉगी उनको रोकने का कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो कभी भी स्लिप करके गिर जाएगा। एक हाथ पे फ्लावर एक हाथ पे बोझ, ठीक ये एनर्जी मैं पाइल टू का फील कर रही हूँ। पाइल टू का आपका पर्सन था, एक फ्लावर लेके भी आपके लिए रेडी है और संसार का बोझ कोई चीज लेके भी रेडी है, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। हाँ मगर एक साइड में अगर मैं सन कार्ड का देखूं तो इस कॉर्नर में सन है, मतलब न्यू बिगिनिंग होगा। कैसे होगा, क्योंकि आपका एनर्जी के हिसाब से कर रहे हैं तो न्यू बिगिनिंग आपके लिए ही होगा, ठीक है। तो ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्शन की कार्ड है द पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स कार्ड है एक्शन, इमैच्योर थोड़ा है, आपसे छोटा हो ही सकता है मैंने बोला, मगर ये एक्शन लेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, ये कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। एस ऑफ वांड्स, इट्स अ डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप, कुछ कर्म करेंगे, कुछ आगे जाएंगे, कुछ करके दिखाएंगे, ये एनर्जी जो फुल एनर्जी में है उससे निकाल के आएंगे। एंड आप लोगों में वो आपको बहुत सुंदर मानते हैं, हो सकता है बहुत स्पिरिचुअल हो ऑलरेडी वो, मगर एनी हम वो कहीं जगह से होल्ड बैक करते हैं, हो सकता है आपसे ओपन अप प्रॉपरली नहीं करते, हो सकता है यू आर द सीक्रेट पर्सन इन हर और हिज लाइफ, ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। देखिए फिर कॉम्प्लीशन की कार्ड आया है चेन ऑफ कप्स, कॉम्प्लीशन जरूर होगा, शादी होगा, दो बच्चे भी होगा, ठीक है, देख लेना।
एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून एक साइकिल खत्म करके दूसरा साइकिल में जाने का कार्ड है। कोई कार्मिक साइकिल है जिसको इनको भुगतना पड़ रहा है, इससे ये जरूर निकाल के आएंगे। अब कार्मिक छोड़ के डर मत जाओ कि ये कमरा कार्मिक है, कार्मिक छोड़ के कोई रिलेशनशिप होता नहीं है। एनी हाउ सोलमेट एक सोल कनेक्शन जरूर है, मगर कुछ ना कुछ कर्मा से तो बंधा हुआ है ना, उस कर्मा का और इनका खुद का कुछ कार्मिक बैगेज इसको ये सफर कर रहा है। ठीक है, इस जगह को ये सफर कर रहे हैं एंड उसको ये बहुत कुछ अभी इनका सोल लेसन मिल रहा है। ये सोल लेसन होते हुए इनका ये ओपन अप करने का एक एनर्जी मुझे दिख रहा है। अक्टूबर में बहुत स्ट्रॉन्गली दिख रहा है, 6 वीक्स, 3 to 6 वीक्स दिख रहा है, मतलब अक्टूबर से स्टार्ट होकर दिसंबर तक एनर्जी है। ठीक है, अक्टूबर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे बोलना पड़ेगा तो ये, और 2022 भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आप लोगों के लिए। 2022 आप लोगों में बहुत लोगों का कमिटमेंट मिल जाएगा, एक स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे आप लोग, ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सो ये अक्टूबर, दिस अक्टूबर 2021 अक्टूबर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कम्युनिकेशन अच्छा से होगा। जो कम्युनिकेशन रुक के हो रहा था या बिल्कुल नहीं हो रहा था, कम्युनिकेशन हो जाएगा, ये एनर्जी मुझे दिख रहा है पाइल टू के लिए। ठीक है, अभी देखती हूँ एनर्जी ओरेकल से क्या एक्चुअल एनर्जी है। और जैसे मैंने बोला 3 to 6 वीक्स, ठीक है, अक्टूबर का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 2022 भी बहुत इम्पोर्टेंट ईयर है आपके लिए कि आप ये कर सकते हो, क्या बोलते हैं आपका, आप लोग रियूनाइटेड हो सकते हो। रियूनियन का बहुत एनर्जी है, बात करना रियूनियन नहीं बोल रही हूँ, फिजिकल रियूनियन के बारे में बोल रही हूँ। चार कार्ड लेंगे, हाँ अच्छा, कॉर्निकोपिया दो, मैंने बोला ना 2022 बहुत इम्पोर्टेंट है। फाट चक्रा, आर्कएंजल माइकल, इनका कुछ स्टेबिलिटी का डर है कि सोसाइटी में नाम खराब हो जाएगा, सो मेरा फैमिली से निकालना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, बहुत कुछ चीज का डर है इनका। तो ये जगह से ना रूट चक्रा वीक है, मगर रूट चक्रा को इनको स्ट्रॉन्ग करना भी पड़ेगा, आप भी इनको हेल्प करना। यहाँ पे अभी फिलहाल आर्कएंजल माइकल, फादर ऑफ एंजल, उनको हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। जब एक बंदा नहीं कर पाता है ना, खुद से कुछ इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं, तब डिवाइन की तरफ से, अगर आप अवेयर हो, आप अवेकन हो, तो डिवाइन की तरफ से उनको बहुत सारा सोल लेसन जो उनका चल रहा है, मैंने बोला ना कुछ सोल लेसन के अंदर से चल रहा है, उनके अंदर एक तितली खिलेगा, ऐसा एनर्जी है, फूल खिलेगी, तितली आएगी, है ना, हम लोग कुछ मूवी में देखे थे थ्री इडियट्स में, याद है ना वो गाना, जैसे तितली आ जा रहा है, वो एनर्जी मुझे दिख रहा है कि इनके अंदर ये एनर्जी बहुत आ रहा है। ठीक है, मुझे अचानक ये फोटो दिख के वही आया, जो एक गाना है ना, वो गाना, अभी मेरा गला बहुत खराब होके रखा है, अभी गाना सुन के आप लोग चैनल खोल के भागोगे बंद करके। तो एनी हाउ वो गाने में एक मैं एनर्जी के लिए बोल रही हूँ, वो जो एनर्जी है ना, जो तितली खिल रहा है अनॉल, वो एनर्जी इनके दिमाग दिल में आपकी जिंदगी में आने वाले है। एक्चुअली ये एनर्जी आप लोग सोचोगे ये तो अभी कुछ नहीं कर रहा है, करेगा, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। पाइल वन को नहीं बोला, द सन कार्ड बोलते बोलते बहुत पॉजिटिविटी आपकी जिंदगी में आने वाला है। शादी का कार्ड है, इनके अंदर स्टेबिलिटी आने वाला है। अच्छा, फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस, अभी कुछ फाइनेंशियल थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, ऐसा कोई एनर्जी है जिसमें इनको फाइनेंशियल कुछ क्रंच के अंदर से जाना पड़ रहा है, कुछ जगह से जाना पड़ रहा है, इस जगह से, इसीलिए ही ये कार्ड आया है। आर्कएंजल माइकल इनको सपोर्ट कर रहा है, मतलब इनका जो फाइनेंस का प्रॉब्लम, इनका जो स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम कुछ है, जिस कारण में फुल एनर्जी में है, आपके पास भी वो सोच क्या सोच के आएगा, ये एनर्जी में है, तो माइकल इनको हेल्प कर रहे हैं, डोंट वरी कि उसमें उनको स्टेबिलिटी आएगा। ठीक है ना, द बेस ऑफ लाइफ को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, एंड आप भी कीजिए, आपका एनर्जी भी उनको ट्रांसफर कीजिए, बिकॉज इट्स अ सोल कनेक्शन। ठीक है, सो फाइनेंशियल जो हालत है उससे बिल्कुल आएंगे, द सन कार्ड आया है, प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व होगा। अब जैसे मैंने बोला, हाँ अक्टूबर इज अ वेरी इम्पोर्टेंट मंथ आप लोगों का कम्युनिकेशन टेक्स्ट के लिए, मगर आप लोगों का एक कमिटमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट मुझे 2022 का जनवरी फरवरी इस टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, 2022 ओवरऑल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत लोगों का शादी होगा, ये एनर्जी बहुत है।
ठीक है, अभी देखते हो बाबा का मैसेज क्या है। दो कार्ड ऐसे गिर गया। कृपा, कृपा की कमी है आपके अंदर। कृपा, अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना का ईश्वरीय कृपा समझकर स्वीकार कीजिए। मतलब आपके साथ जो भी हो रहा है दैट इज एक्चुअली योर सोल लेसन के अंदर चल रहा है, ये ईश्वर का आदेश से ही हो रहा है। वो भी कुछ कर रहा है, वो बहुत बदमाश है, ये कर रहा है, वो खराब है, नहीं, आपको सोल लेसन सिखाने के लिए ईश्वर का आदेश से ही होता है। मैं बार बार बोलती हूँ ईश्वर की, ये ईश्वर का, ये डिवाइन का एनर्जी के खिलाफ एक पत्ते तक नहीं हिलता, ये बार बार जानना, ठीक है। तो ये जगह में जो भी हो रहा है तो ये इसीलिए हो रहा है, तो आप अपने अंदर में ये काइंडनेस, ये कृपा, ऑलवेज एग्रेसिव नहीं होना। एग्रेसिव होना सबसे बड़ा कर्मा हो जाता है, वो बिल्कुल नहीं होना। कृपा की जगह से देखना, और जीवन एक पुस्तक है, जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकता है, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। मे भी अभी थोड़ा टाइम खराब जा सकता है, मगर बिल्कुल अच्छा जाएगा। एनर्जी भी तो वही बोल रहा है, फूल खिलेगा जिंदगी में। आप इसको फानी की में नहीं लिया, मैं फानी करके बोला, मगर ये सीरियस एनर्जी है। दिस इज अ एनर्जी ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। अवेयरनेस लेवल बढ़ेगा, अपग्रेडेशन होगा उनका, होगा वो जो स्टक होके रखा है ना मूलाधार में, उस जगह से वो हार्ट चक्र तक जाएंगे, और भी अवेयरनेस लेवल बढ़ेगा, जिसपे इनके अंदर ये एक खुशहालनेस आएगा, ठीक है। सो ये एनर्जी पाइल टू के लिए हो, आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। क्या बोली हूँ, क्या सजेशन दी हूँ, जी बिल्कुल सुनना बाबा का मैसेज, हर चीज को बिल्कुल आप मानना, और जो एनर्जी है वो तो जान ही गए। सो एकदम बेफिक्र रहिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपना करियर पे फोकस हो जाइए, खुद के ऊपर फोकस हो जाइए, बहुत प्यार कीजिए अपने आप को, बहुत प्यार कीजिए अपने आप को, ठीक है। तो कमेंट बिल्कुल कीजिए मेरे चैनल में, आज आपका जो भी प्रेयर है मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए। मैं रेकी हीलिंग की टाइम में दिल से आपका जो भी प्रेयर है, मैं रेकी मदर से, डिवाइन से प्रे करती हूँ आप लोगों का प्रेयर फुलफिल करने के लिए हीलिंग की टाइम में। एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। कोई भी सर्विसेज चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब है, व्हाट्सअप कीजिए, प्लीज कॉल मत कीजिए, पहले व्हाट्सअप कीजिए। एक मजेदार बात बताती हूँ, मुझे बहुत लोग, मैं बार बार बोलती हूँ कि व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिए, ठीक है ना, पहले मत कीजिए, जब जरूरत होगा मैं तो टाइम बताऊंगी, तब मैं 10 मिनट बोल के ज्यादा ही बात कर लेती हूँ, आधा घंटा बोल के ज्यादा ही बात कर लेती हूँ, जो एक्सपीरियंस किया है जरूर जानता है, मगर हाँ अननेसेसरी बात क्यों करूंगी, ठीक है, जरूरत जितना वो जरूर करूंगी। अभी आपका चैनल मैं, मुझे जो अच्छा लगता है, आपका तो हर वर्ड इतना मन लगा के सुनती हूँ भाई, हर वर्ड अगर मन लगा के सुनते हो तो इतने बार जो रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिए, एंड व्हाट्सएप पे ये डिटेल भेजा जाएगा, उसके बाद डिटेल में एकदम हिब्रू में लिखा नहीं है, नॉर्मल इंग्लिश में, नॉर्मल जो पढ़ सकता है, ज्यादा इंग्लिश भी मतलब नॉर्मल, उसमें आप पढ़ सकते हो, आप लोगों को बुकिंग करके श्योर डिटेल्स कर देगा। अभी मैं टाइम दे दूंगी, उसमें रीडिंग होगा, 10 बार कॉल, ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आने का कोई बात ही नहीं है, एनी हाउ मैसेज कीजिए, मतलब आप कैसे मन लगा के मेरे चैनल को सुनते हो आप बताओ क्या बताओ, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जरूर मेरे जो सोल फैमिली है उनका जरूर बात सुनूंगी, मगर ट्राई कीजिए। आपका रीडिंग चल रहा है, कोई 10 बार फोन करे, 10 कॉल आए, आपका तकलीफ होगा ना, ऐसा सबका होता है, ठीक है, व्हाट्सएप कीजिए, बिल्कुल आंसर मिलेगा, ऐसा कोई नहीं है आंसर जिंदगी भर नहीं मिला, कब भी नहीं, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, जिनका टाइपिंग में कोई प्रॉब्लम है वॉइस रिकॉर्ड भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और जैसे मैंने बोला, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से मेरे चैनल को शेयर कीजिए, तो फ्री रीडिंग की टाइम बोलिए कि उसको सब्सक्राइब करने के लिए, तो फ्री रीडिंग की टाइम में जरूर जरूर जिनका जरूरतमंद लोगों को जरूर हेल्प होगा, जो लोग पर्सनल रीडिंग शायद नहीं ले पा रहा है, ठीक है। तो आज इतना दूर तक जो भी बोली हूँ।